बॉडी एरिया, ये एक ऐसी समस्या है जो हम में से तकरीबन हर किसी को कभी ना कभी जरूर होती है। ये ऐसी दिक्कत है जिसे आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये आपके पैरों को बदरंग बना देती है। ऐसे में लोग तरह तरह की चीजों को ट्राई करते हैं जिससे कि इस समस्या से पार पा सके, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। तो अगर आप भी उन लोगों में से हैं जिन्हें हर तरीका अपनाने के बाद भी समस्या से छुटकारा नहीं मिल रहा है, तो परेशान ना हो, क्योंकि आज हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं एक ऐसा घरेलू उपाय जिससे आपकी ये समस्या आसानी से और बहुत जल्द ठीक हो सकती है। लेकिन उससे पहले जानेंगे कि आखिर एड़ियां फटने के पीछे के कारण क्या होते हैं। तो आपको बता दें कि फटी एड़ियों के पीछे पहला और सबसे आम कारण है गंदगी और हमारा खराब स्किन केयर रूटीन। वहीं त्वचा जब सूखने लगती है और नमी कम हो जाती है तो स्किन खुरदरी और पर्दार बन जाती है। साथ ही जिन लोगों के शरीर में लंबे समय तक विटामिन B3, विटामिन ई और विटामिन सी की कमी रहती है, उन्हें भी एड़ियां फटने की शिकायत हो जाती है। इसके अलावा अगर शरीर में हॉर्मोन्स का डिसबैलेंस हो रहा है तो आपके स्किन पर भी इसका असर पड़ता है, जिससे एड़ियां फट जाती है। तो अब आपने इसके कारण तो जान लिए, अब देश भर के काबिल और प्रसिद्ध हकीमों में से एक हकीम सुलेमान खान जी से जानते हैं इसके घरेलू इलाज के बारे में। एड़ियों के लिए दो ही चीजें जरूरी होती है, एक तो प्रोटीन मिल जाए जो कॉर्न मोरिंगा सफ़ेद में है, ताकि वो उन दरारों को भर सके, और एक ये कि उन पर तेल लगाया जाए, एक ये कि उनको गर्म पानी में डाल के उनको रब किया जाए रोज़ाना गर्म पानी में, नमक के पानी में और या सोडे के पानी में डाल के रोज़ाना उनको रब किया जाए, हल्के हल्के उनको नरमी मिले, और जब ये पैर गर्म पानी से निकले तो उस पर तेल लगाकर कुछ मोजे या जुर्राब पहन लेनी चाहिए और गौन मोरिंगा खाना चाहिए।